राजीव गांधी जन चिकित्सालय में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न। प्रधानमंत्री के लाइव उद्बोधन में खाली पड़ी रही कुर्सियां। प्रधानमंत्री मोदी के उद्बोधन को सुनने नहीं रुके अतिथि एवं अधिकारी। आमंत्रण पत्र से कार्यक्रम में बनी रही असमंजस की स्थिति, नहीं पहुंचे कई अतिथि। प्रस्तुत है गंज वासौदा से एलन शोबे की एक रिपोर्ट। जी हां, स्थानीय राजीव गांधी जन चिकित्सालय में आज ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का लोकार्पण कार्यक्रम किया गया, लेकिन कार्यक्रम के आमंत्रण पत्र में बनाए गए अतिथियों में से अधिकांशता कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। जो अतिथि पहुंचे वह भी प्रधानमंत्री के उद्बोधन के पूर्व ही चले गए और प्रधानमंत्री का उद्बोधन खाली कुर्सियों ने ही सुना और पूरा कार्यक्रम केवल औपचारिकता पूर्ण ही रह गया। सूत्रों की माने तो भाजपा के जिला पदाधिकारियों समेत मंडल अध्यक्ष महामंत्री तक सभी पदाधिकारियों ने भाजपा जिला अध्यक्ष का नाम आमंत्रण पत्र में ना होने से कार्यक्रम का बहिष्कार करने की बात सामने आ रही है। वहीं जिला चिकित्सा अधिकारी और गंज बासौदा प्रभारी बिना मास्क के कोरोना गाइडलाइन का अनदेखा करते देखे गए। एक में शुरू हुई साथियों, सरकार के मुखिया के तौर पर इसकी कल्पना मैंने कभी नहीं की। अखंड यात्रा अंतर अपना स्नेह दिया है, अपनत्व दिया है, वहां आना मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूं। हिमालय की ये तपोभूमि कोटि कोटि देशवासियों को बधाई देता हूं। और उसके लिए यहाँ जो प्रदेश से हमारे माननीय शिवराज सिंह, प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग और स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी रहे, तो यहाँ पर माननीय विधायक श्रीमती लीना जैन एंड हमारे अध्यक्ष साहब जादौन जी। कहाँ हैं जादौन साहब को तो बुलाया ही नहीं। मैं जादौन साहब को बुलाया। आपके कार्ड जो जारी हुए हैं भाई, जादौन साहब को बुलाया ही नहीं। कार्ड में सप्रे जी भी नहीं आए आपके कार्यक्रम में। सप्रे जी से मेरी बात हुई थी, सप्रे जी किसी दूसरे कार्यक्रम में व्यस्त थे, जादौन साहब भी दूसरे कार्यक्रम में। मीडिया को भी जानकारी नहीं थी, गुपचुप तरीके से कार्यक्रम इतना बड़ा कार्यक्रम है और आपने गुपचुप किया। मेरी बात सुनिए, परसों ही सुबह डिसाइड हुआ कि भाई ये सारी चीज़ें, परसों कमिश्नर साहब का दौरा था और कल भी ग्रासपुर में प्रोग्राम था, हम उसी में सब लगे हुए थे। अभी मंच पर प्रधानमंत्री मोदी जी ऑनलाइन भाषण दे रहे हैं और ना ही कोई अधिकारी है ना ही कोई अतिथि है, सब लोग कार्यक्रम खत्म करके चले गए। हम लोग यहाँ इसका भी उद्घाटन करना था, इसका मोदी जी को खाली कुर्सियों पर छोड़ा है। हमने हमारा प्लान उद्देश्य था, अभी वो सारी चीज़ें मेन प्रोग्राम हो गया था, सारी चीज़ें। आप भी बिना मास्क घूम रहे थे दो घंटे से। नहीं, मैं वो बात है पसीना पहुँचने का भाषण मेन कार्यक्रम नहीं है। नहीं नहीं है ना, पर वो उसको छोड़कर आ गए आप लोग सर। वर्चुअल उद्घाटन यहाँ का हो गया था, उसके बाद उद्घाटन हो गया। अभी मोदी जी भाषण दे रहे हैं तो वो मेन कार्यक्रम नहीं है क्या? नहीं है ना, बिल्कुल है, बाकी लोग बैठे थे। नहीं नहीं, हमारे को लैब का भी उद्घाटन करना।